क्यों नहीं जाते मम्मा? आपने बताया था उनके घर खूब बड़ा सा डॉगी है, लेकिन रात के टाइम तो नानू उसको बांध देते होंगे ना, है ना? रोली तो ये क्या बात लेकर बैठ गई है? बताओ ना, ये आजब और दादा दादी क्यों नहीं आते हमारे घर? कितनी बार तो बताया तुम दोनों को, दादाजी भगवान के पास है और दादी जी बहुत दूर रहती हैं, और आज सुबह मम्मा से गुस्सा है। मम्मा ने हर्ट किया है ना अजूबा को, इसलिए अजूबा ने कट्टी कर ली मम्मा से। सप्पा, अब क्यों गर्शी? मुझसे नानू कैसे कंप्लीट होगा? हम लोग भी लोग कितनी कटिंग करते हैं, लेकिन बट्टी भी कर लेते हैं। ये बड़े लोग इतनी पक्की वाली कटिंग क्यों करते हैं? अब नानू और मम्मा की बट्टी कब होगी? मैंने कभी आई को हर्ट किया, कोई मिस्टेक कर दी और उन्होंने मुझसे पक्की वाली कट्टी कर ली तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओए, चल ना। अब तो दे दो। क्या दे दूं? नानू की घर का ड्रेस, कहाँ रहते हैं वो? क्या हो गया तुम दोनों को आज? सुनते क्यों नहीं हो? जाओ जाकर सो जाओ, नहीं तो फिर सुबह नींद नहीं खुलेगी। चलो जाओ, चलो आप दोनों जन फटाफट सो जाओ। ये बड़े लोग किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास मैजिक वाली स्टिक होती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ झट से पता चल जाता, है ना रोली? क्या हुआ? Are you drunk? कुछ बताना है मुझे। अच्छा, तुम दोनों सुनते क्यों नहीं हो? अंदर जाओ, अभी जाओ। चल बस, इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। जब हजम होती नहीं है तो तुम पीते क्यों? बैठो। मेरे बारे में ना सही, बच्चों के लिए तो सोच लिया करो। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे, इम्पोर्टेंट है। बैठो, कॉफी लेकर आती हूँ। अरे मुझे बोलने का तो? पहले तुम अपना नशा उतार लो, उसके बाद बैठ कर बात करेंगे। लेकिन आप रुक कर।
जाती है, उसी ने बताया बस नंबर 408 जाती है वहाँ। हम बस में जाएंगे? नहीं, हम तो अपने हेलीकॉप्टर से जाएंगे। बस से ही जाएंगे ना डफर? मम्मा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी रोली। रॉन्ग, जब हम मम्मा और नानू की बट्टी करवा देंगे तो मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। तू अपने पिगी बैंक से पैसे लाया ना? हाँ लाया हूँ। चल हो जाएगा, हम दोनों तो हाफ टिकट है ना। चल ए पोरी, डोका बाहर नको काडू, बैठो इधर सीट पे बैठो। वो कह रहे हैं ना, चल यहाँ पर बैठ। आप अकेले हो क्या? आप दोनों के साथ बड़ा कोई नहीं है? ड्राइवर अंकल आने वाले थे, कार का टायर पंचर हो गया, मम्मा का फोन भी नहीं मिल रहा। अच्छा, वो तो चला गया पीछे। अरे वो तो कब का पीछे रह गया? लास्ट स्टॉप। अंकल। हाँ बेटा। ये ड्रेस कहाँ है? ये बेटा आगे से राइट जाके तीसरा बंगलो है। थैंक यू अंकल। वेलकम। इतना बड़ा घर, वाव! ये! वाव! ये क्या है? अरे मुरालो, काय करता तुम्ही? कोण आहे तुम्ही? काय करता तिकडे? कोण कोण तुम्ही लोग? कोण आहे? कहां से आए हो? क्या काम है तुम लोगों को? चंदा मांगने आए हो? कुठून? अरे ओल्ड एज होम से या अनाथालय से? कहां से, कुठून? नानू यही है क्या? हाँ, आज इन्हें एक बार फोटो दिखाई थी, सेम टू सेम फेस। अरे विठल, 50 रुपए दे वाला। लगता है बूढ़े बेसहारा लोगों के लिए चंदा मांग रहे हैं बच्चे। लो, आपके लिए आपसे ही चंदा मांगेंगे क्या? आप तो एकदम रिच और हेल्दी दिखते हो और फिट भी। काय मुंडतस बड़ा तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपने पहचाना नहीं? मैं ऋषि, ये रोली, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, और आप हमारे नानू।
कुलदीप, कुछ पता चला दोनों बच्चों का? कुछ पता नहीं बच्चे साहब, उन बच्चों को तो मैंने पीछे वाली गेट की तरफ जाते देखा था। पीछे वाले? देखा तो रोका क्यों नहीं यार? अरे किसने रखा इस गधे को नौकरी पर? कुलदीप एक मिनट रुको ना, कहाँ है गेट? कहाँ है? मैडम उस साइड। डोंट वरी बच्चे मिल जाएंगे। कैसे? किसी को कुछ पता ही नहीं कि दोनों बच्चे हैं। कहाँ ना बच्चे मिल जाएंगे, प्लीज रिलैक्स। हे भगवान, मेरे बच्चों को कुछ होने मत देना। Stop calling me, please. अगर मैं फोन नहीं उठा रहा मतलब कोई रीजन होगा। My kids are missing, Samira. Please try and understand. कट कर दिया? Don't try to avoid me, चट्टा. कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हारी आई ने अपने बच्चों को। बड़ों से कैसे बात करते ये भी नहीं सिखाया तुम्हें? आपको आपके आई ने नहीं सिखाया कि इकट्ठी होने के बाद बट्टी भी करते हैं? आप अब तक गुस्सा हो हमारी मम्मा से? इतनी अच्छी है वो, मिस्टेक होने पर सॉरी भी बोलती है, फिर आपने उनको माफ क्यों नहीं किया? वेरी बैड। छोटे बच्चे हैं, खरच देवाचे रूप असतात दादा। पुरे प्रवचन नको आणि घेऊन ये। आजूबा, मैं और ऋषि भी तो कितनी फाइट करते हैं, लेकिन बट्टी भी कर लेते हैं, है ना ऋषि? आप भी मम्मा से बट्टी कर लो ना, प्लीज। यस अजूबा, आई कहती है कट्टी करना गलत बात है, सॉरी बोलो और हक कर लो। अरे 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 हटो, दूर हटो, दूर हटो, अरे दूर हटो तुम लोग मेरे से। अरे हटो ना, हटो बोला तुम लोग को। अरे 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 पूरा छोड़ दे, हटो ना, हटो बोला तुम लोग को। अरे दूर जाओ मेरे से, छोड़। अरे दूसरे को जानते हो? हाँ, आज ही तो आती रहती है हमारे घर, बस आपको ही नहीं जानते इसलिए तो आए हैं। स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, आपको भी आना है। और पता है नानू, ऋषि भी डांस करने वाला स्कूल में। वो सॉन्ग है ना, जिंग 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 तुम दोनों ने आई को बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो? कुलदीप, कुलदीप, शायद इसी टेबल पर चढ़कर दीवार फांदकर भागे हैं तुम। गॉड यार, ये बच्चे भी ना। कुलदीप, बच्चे कहाँ गए होंगे, कैसे मिलेंगे? अरे यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। हेलो, आई मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मेरे शिरोली कहीं मिल नहीं रहे, मैं स्कूल आई हूँ। माझा कड़े है मेरे घर पे। के घर पे है।
थैंक गॉड। आई मैं अभी आती हूँ दोनों बच्चों को लेने के लिए। रुको रुको, तू रुको, मैं ड्राइवर के साथ भेजती हूँ। हे भगवान, पापा कहीं बच्चों को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। संजना, बस एक बार प्लीज फोन देना। नो, अपनी खूबसूरती को निखारने की सवारने की जिम्मेदारी अपनी खुद की होती है मैडम, कोई दूसरा नहीं आने वाला हेल्प करने, समझी? संजना, बस एक बार मुझे फोन। नो, एक बार तसल्ली कर लूं कि सब कुछ ठीक है। बच्चे पहली बार अकेले बाहर गए हैं मेरे बिना। माँ हूँ मैं, फिक्र होती है मुझे। अरे यार, तू माँ है तो कुलदीप भी बाप है ना बच्चों का, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं? डोंट वरी, बच्चे उसके साथ खुश होंगे और वो भी सब अच्छे से संभालेगा, ठीक है? जस्ट रिलैक्स, वैसे भी घर के सारे काम हो चुके हैं और बच्चे भी घर पर नहीं है, तो ये जो फ्री टाइम बचा ना वो अपने आप पर खर्च कर लो ना। कभी कभार अपना ख्याल रखना क्राइम नहीं होता मैडम। एंड व्हाट इज दिस यार, आज तुम्हारा मुंह मेरी तरह ऑरेंज ही नहीं हुआ है, सी सी। तुझे याद है संजना, जब मैं कुलदीप से पहली बार डेट पे मिलने गई थी, कितने प्यार से सजाया था तुमने मुझे, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और मैंने कि लॉलीपॉप खाकर अपनी पूरी लिपस्टिक खराब कर ली। आई रिमेम्बर, मतलब तुम्हारा मुंह इतना ऑरेंज हो गया था कि तुम बिल्कुल बाल हनुमान लग रहे थे। कुलदीप ने मुझे बहुत क्यूट लग रही हो कहा था, वो भी 15 मिनट हंसने के। अरसा हो गया संजना, मुझे तो याद ही नहीं आता कि मेरी कौन सी बात पे कुलदीप को हंसी आई थी। पता नहीं कब उसने क्यूट कहा था मुझे। इसीलिए तो कहती हूँ ना, जस्ट ट्राई टू चिल, और तुम ना अपने आप पर जरा ज्यादा ध्यान दिया करो। ये चेहरे पर सारी टेंशन जो चुकी है ना, उसको झाड़ फूट कर फेंक दो, तब देखना वो मस्त बिंदास कैसरी वाली शुभ्रा नजर आएगी जिससे कुलदीप ने प्यार किया, और वही शुभ्रा जो लॉलीपॉप खाकर मेकअप खराब करने में एक्सपर्ट है। तुम दोनों के बीच का प्यार ना कहीं गायब नहीं हुआ है यार, बस छुप गया है। कोशिश तो करो उसे तलाशने की। कोशिश? स्विमिंग भी तो नहीं आती। कुछ नहीं होगा। नो, चुपचाप यहाँ पर बैठ, चल। कहाँ जा रही है? वॉशरूम जाना है। पहले पापा को आने थे फिर जाना। भैया बहुत तेज की आई है ना,
हम नहीं तो आए वहाँ पे, चलो ना। अच्छा ठीक है चल, मेरा भी जूस पिया अपना भी जूस पिया तो आएगी ही ना, अब चल जल्दी से चल। ऋषि मैं तुम्हारे कंपटीशन के कॉस्ट्यूम्स ले आई हूँ, ट्राई कर लेना। कैसा रहा? बहुत एंजॉय किया ना तुम दोनों ने? बोलते क्यों नहीं, मजा आए। रोली क्या हुआ बेटा? मम्मा मैं ना पूल में गिर गई थी, बस डूबने वाली थी सच्ची। क्या सच्ची मम्मा? मैं तो बस चेक करने गई थी झरने का पानी कितना ठंडा है, मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से पूल में गिर गई। पानी बहुत ठंडा था मम्मा, मैं तो पूरे ही डूब गई थी। हाय रब्बा, मैं मर जाती तो हो जाता ना सप्पा। ये रोली क्या बोल रही है? तुम कहाँ थे उस वक्त? आए से झूठ नहीं बोलेंगे पापा, सब बता देंगे सच्ची सच्ची। शुभ्रम मैं वहीं था, ये दोनों मेरे सामने थे, तभी ऑफिस से कॉल आ गया। बस जरा सी नजर हटी कि पता नहीं रोली कैसे पूल साइड। हाँ मैं मानता हूं कि गलती हुई है मुझसे, एक सेकंड के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी रोली बेटा। रोली बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई है ना, कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं मम्मा, ऋषि भैया जोर से चलाने लगे, हेल्प हेल्प हेल्प, तो बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन मम्मा मैं डूब जाती मर जाती तो क्या होता? कभी नहीं होगा ऐसा, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। इतना कुछ हो गया कुलदीप, वो भी तुम्हारे रहते हुए। अगर रोली को कुछ हो जाता तो। बिलीव मी शुभ्रा, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल है डर है वो मेरे दिल में भी है। मैं भी घबरा गया था कि कहीं कुछ। खुद को कोस रहा था कि मैंने वो कॉल अटेंड ही क्यों किया। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, and for that I'm really sorry। पापा की कृपा से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। मम्मा ट्यूसडे को जाकर पापा का प्रसाद चढ़ाएगी, ठीक है? तेरा कल स्कूल में डांस परफॉर्मेंस है ना, चल तू भी जाकर चेंज कर ले और जल्दी से सो जा।
आज आपने मेरे बच्चे की रक्षा की है पप्पा, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर। कभी कोई संकट मत आने दीजिए, बस इतनी प्रार्थना है मेरी। तुम्हें इस वक्त कॉल नहीं करना चाहिए था। I know it's not the right time. But मुंबई जाने से पहले तुमसे बात करने का मन हुआ, तुम्हारी आवाज सुनने का मन हुआ एक आखिरी बार। देखो सुमायरा, मैं हेलो चड्ढा, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोया क्यों नहीं? इसका फोन था, राजेश अंकल का फोन था, कुछ जरूरी काम है। चलो जाओ, आप सो जाओ, कम ऑन, इट्स टू लेट, गो। झूठ बोल रहा, समारा आंटी से बात कर रहे थे ना, रिसॉर्ट में भी झूठ बोला आपने और मामा से भी कि ऑफिस से फोन आया था। रोली बेटा तू यहीं रुक, मैं भैया का टेम्परेचर चेक करके आती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मम्मा, डोलो क्यों किया मम्मा, ऋषि भैया को क्या हो गया, मुझे अंदर आने दो ना। दो मिनट रोली, ऋषि का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। ऋषि को चेंज कराते हुए मैं मम्मा डोर लॉक नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर चेक करने के वक्त क्यों डोर लॉक किया, पक्का कुछ तो सपा है। ऋषि मुझे एक बात बता, तू और सलोनी फ्रेंड्स है ना, तो तुम लोग दोनों साथ में स्कूल भी जाते हो, खेलते भी हो, वैसे ही समायरा आंटी और पापा भी फ्रेंड्स हैं। पहले पापा आपको हग करके ऑफिस जाते थे, लेकिन अब हग नहीं करते हैं। तो समायरा आंटी को क्यों हग किया पापा ने? फ्रेंडशिप में तो ये नॉर्मल है ना ऋषि, इट इज ओके, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर पापा ने मुझे क्यों कहा कि समारा हंडी वाली बात आपको नहीं बतानी है? हो सकता है कि पापा और समायरा आंटी मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हो और इसीलिए तुझसे कहा कि मुझे ना बताए, बस और क्या। पागल, तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, क्या करूं? रोली, मम्मा ने समझाया था ना, दूसरों की बातें छिप छिप कर सुनना गलत बात है, बैड मैनर्स। फिर क्यों किया तूने? चलो उठो, आराम से। और अब तुम अंदर जाओ और भैया का ध्यान रखना, उसे तंग बिल्कुल मत करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं, समझे? फिर से उसकी ड्यूटी,
मनु सप्पा। ऋषि की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सहमा हुआ सा रहता है, इसीलिए पूछ रही हो तुमसे कुछ हुआ था क्या रिजॉर्ट में। ऑफिस का कॉल अटेंड करने के लिए बाहर निकला था, इतने में रोली पानी में गिर गई। अब ये सब देखकर शायद ऋषि घबरा गया होगा। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम सुनना क्या चाहती हो? कुलदीप, आई नो कि तुम अपने जॉब से खुश नहीं हो, परेशान रहते हो, बिजी भी हो, पर कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, कह सकते हो? सच्ची सच्ची बोल। पहले मेरी दूरबीन दे। नो, एक हाथ से दूरबीन ले और दूसरे हाथ से आई मीन माउथ से बोल के क्या हुआ है? आई ने अंदर से रूम लॉक किया था क्योंकि क्योंकि मेरे बम पे पिंपल हो गया था। मतलब क्या है तुम्हारा? कुलदीप, पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। आई मीन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम समझ नहीं समझना चाहती हूँ तो... मैं तुम समझाओ ना कुलदीप, मैं समझना चाहती हूँ। बताओ ना, कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी है? या समायरा की जॉब लेने के बारे में सोच रहा हूँ।